हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल कुमार विलार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे कि हमने अल्टो जो है वो क्यों लिया। हमने अल्टो के अलावा और भी कुछ जो है गाड़ी जो है ले सकते थे, तो हमने जो है कि अल्टो को क्यों लिया। तो चलिए गाइज, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तो गाइज, सबसे पहले हम बता दें कि जो मेरी अल्टो है, तो अल्टो लेने के जो फ़ायदे हैं हम उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो गाइज, सबसे पहले अल्टो के बारे में हम बात कर लें। अल्टो जो कि 800 सीसी गाड़ी है, अल्टो VXi प्लस, जो कि मारुति सुजुकी कंपनी की अल्टो आती है 800 सीसी। तो गाइज, इसमें मैंने देखा कि इसमें हर कुछ जो है उपलब्ध है। इसमें टच स्क्रीन है, हर कुछ जो है इसमें उपलब्ध था जो हमें चाहिए था। तो हमने मतलब कि और भी ले सकते थे, लेकिन अल्टो की तरफ क्यों गए हम आप लोगों को ये बताएंगे। तो गाइज, बता दें कि अल्टो जो है इसकी सबसे पहले जो है बात आ जाती है माइलेज की। तो गाइज, हर कोई बंदा ये ज़रूर सोचता है कि कोई भी गाड़ी ले उसमें कम खर्च में उस गाड़ी को हम यूज करें। तो गाइज, कम खर्च में यूज करने वाली जो गाड़ी है वो अल्टो है। आप लोगों को भी पता है बात, क्योंकि अल्टो में जो है अल्टो के माइलेज बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें जो मेंटेनेंस खर्च आती है बहुत कम, एकदम ना के बराबर जो है आपको जो है मेंटेनेंस खर्च। समझिए कि एक महंगी बाइक अगर आप ले रहे हैं तो उसके जो है मेंटेनेंस में जो आपको जो है इसकी मेंटेनेंस आ जाएगी इस गाड़ी की। तो गाइस, समझिए कि एक तरफ से जब महंगी बाइक लेते हैं तो बाइक की जो मेंटेनेंस है, ये समझिए कि एक बाइक के मेंटेनेंस में ही आप जो है फोर व्हीलर का जो है लुक्स ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो गाड़ी है छोटी है कि कहीं और इसलिए लिए कि अगर हम जब ये जो गाड़ी है हमने पहली बार जो फोर व्हीलर अगर गाड़ी लिए हैं तो है अल्टो। इससे पहले मेरे को कोई गाड़ी नहीं था और ना ही हमको कुछ ड्राइव करना आता था। तो हमने सोचा कि अगर अल्टो है, छोटी गाड़ी है, इस पर अच्छे से हम ड्राइव करना अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो इसीलिए ज़्यादातर जो है अल्टो पे मनाया, क्योंकि अल्टो लेंगे और फिर आगे की फ्यूचर की बात अलग है। तो फ्यूचर में कुछ भी जैसे कि बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तो फ्यूचर में भी गाड़ी चेंज होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो कोई मूड नहीं है चेंज करने का। ताकि अभी गाड़ी की जो है लमसम 1.5 साल ही पूरे हुए हैं और 1.5 साल में मात्र 8,000 कुछ किलोमीटर जो है गाड़ी चली हुई है। तो अभी तक ज़्यादातर गाड़ी चली नहीं हुई है, यहाँ तक कि अभी गाड़ी की जो है थर्ड सर्विस भी नहीं हुई है। तो इसीलिए गाइज, हमने छोटी गाड़ी है, इसमें 3-4 आदमी जो है आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। तो छोटी फैमिली है, आराम से एडजस्ट कर लेंगे और कर भी लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण जो है हमने अल्टो लिया। और अल्टो में मतलब कि बता दें कि ज़्यादातर जो है लोग खोजते हैं टच स्क्रीन। इसमें अल्टो VXi प्लस में जो है टच स्क्रीन भी है, एसी तो हर गाड़ी में है, तो इसमें एसी भी है, पावर स्टीयरिंग, एयर बैग्स, इसमें सब कुछ है। इसी कारण जो है हमने अल्टो के मतलब कि ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिए, हमने अल्टो को चूज किया, इसीलिए ज़्यादातर हमने अल्टो को ही पसंद किया। तो गाइज, यही कारण है। और थोड़ी बहुत जो है कॉस्ट के ऊपर भी देखना पड़ता है, आपकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी कुछ ध्यान देना पड़ता है कि कितने रेंज की जो है गाड़ी की आप ले सकते हैं। तो इसी कारण है गाइज कि जो हमने जो अल्टो ही चूज किया। चलिए गाइज, जैसे कि आप लोग ने समझ गए होंगे कि हमने अल्टो क्यों चूज किया और हम अल्टो क्यों पसंद किए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो चलते चलते हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए।